राखी साधवी हो हमारे लिए आज की पुष्पी मुकदस लुका के मुताबिक उसके छठे बाप की 27वीं से 28वीं आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम सामान्य से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने कीना वालों का अनुग्रह करो, अपने दानों के लिए बरकत चाहो और मुस्किनों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो भी तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कुछ उसे मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांगो। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग उनसे करें तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। अगर तुम उनका भला करो तो तुम्हारा भला करें, तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी यही करते हैं। और अगर तुमने कर्ज़ जिनसे वसूल होने की उम्मीद है तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज़ देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रखकर कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक तआला के फरजान होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीकों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम बनो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐप ना लगाओ तो तुम पर भी ऐप ना लगाया जाएगा, मुजरम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे, बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबाया या हलाया भरपूर तुम्हारे कामों में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए اے مسیح تیری ستائش ہو۔